गाइस, आपने हैकिंग के बारे में तो सुना होगा। आजकल हर कोई हैकिंग करना चाहता है। आजकल दोस्तों हैकिंग को लेके इतना एक्साइटमेंट एंड क्रेज बढ़ा हुआ है लोगों के बीच में, जितना कुछ सालों में नहीं था। एंड दोस्तों आपने बहुत सारी ऐसी मूवी देखा होगा जिसमें हैकिंग के बारे में बताया जाता है। एंड दोस्तों आपने एडवर्ड जोसेफ का नाम तो जरूर से ही सुना होगा। लोगों के साथ 10,319 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। The medical institute was under a massive ransomware attack. Cyber crime and cyber insecurity. Cyber attacks are on the rise. Cyber security become very very important. एंड दोस्तों आप भी चाहते हो एथिकल हैकिंग करना, जिससे दोस्तों आप लाखों भी कमा सकते हो। एंड दोस्तों आप भी एथिकल हैकिंग करना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो में फुल गाइड किया जाएगा, जिससे दोस्तों आप भी एथिकल हैकिंग कर सकते हो। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वीडियो को देख के दोस्तों आप प्रॉपर हैकिंग तो नहीं सीख सकते इस वीडियो को देख के, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो 4-5 के मिनट में हैकिंग बिल्कुल भी नहीं सीखी जा सकती। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि इस 4 मिनट का वीडियो देख के आप हैकिंग सीख जाओगे, एंड दोस्तों आप अपने फ्रेंड का इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप एंड दोस्तों फेसबुक को हैक करोगे, तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसमें दोस्तों आपको ये बताया जाता है, लेकिन दोस्तों वो हैकिंग नहीं है, वो चीट होता है। समझ सकते हो चीट किसे बोलते हैं? दोस्तों आपको पता है आपके फ्रेंड का ईमेल ऐड किया है, एंड दोस्तों आपको पासवर्ड ही तो पता करना है ना। पासवर्ड उसका मोबाइल नंबर डाल दोगे, दोस्तों उसका वो फेसबुक अकाउंट है जो भी है वो उसका खुल जाएगा, तो वो दोस्तों वो चीट है, उसे हैकिंग नहीं कहते हैं। दोस्तों एथिकल हैकिंग वो होता है जिसे कानूनी तौर पर किया जाता है, एंड दोस्तों उसे कानून के लिए किया जाता है जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में फुल गाइड करूंगा एक एथिकल हैकिंग क्या होता है। दोस्तों वो चीट होता है, वो हैकिंग नहीं होता है। अगर दोस्तों आपके दिमाग में ये है कि उसको हैकिंग कहते हैं तो दोस्तों उसको निकाल दो। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फुल गाइड करूंगा किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगा, एंड दोस्तों क्या क्या चीज़ की ज़रूरत रहेगा जिससे दोस्तों आप हैकिंग कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी रिक्वायरमेंट के बारे में बताएंगे जिसे आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ सकते हो उसका तो आपको ज़रूरत है ही है अगर आप हैकिंग करना चाहते हो तो। दोस्तों फर्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों आपके पास में PC एंड दोस्तों ये आपके पास में फ़ोन होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास में PC है तो आपको कम से कम 60,000 रुपये से तो ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपका जो PC है उसके अंदर आप पेलोड वगैरह मलवेयर वगैरह इंस्टॉल करोगे, एंड दोस्तों ऐसे टूल्स डाउनलोड करोगे जिससे हैकिंग की जाती है, तो दोस्तों आपका जो PC है वो लैग नहीं करना चाहिए, एंड दोस्तों स्मूथ हैकिंग हो सके। एंड दोस्तों आपके पास में PC नहीं है तो दोस्तों आप फ़ोन से भी कर सकते हो। एंड दोस्तों सेकेंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों आपको कालीनिस या टर्मेक्स होना चाहिए आपके डिवाइस में। दोस्तों अगर आपके पास में PC है तो बेझिझक आप कालीनिस को डाउनलोड कर लीजिए, एंड दोस्तों आपके पास में PC नहीं है तो आपको दोस्तों फ़ोन में टर्मेक्स को डाउनलोड कर लेना है। एंड दोस्तों थर्ड रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों आपके पास में लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो हम हैकिंग करने वाले हैं, जो हम ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, ऐसी लैंग्वेज में तो बिल्कुल भी हैकिंग नहीं हो सकती। उसके लिए आपको अलग से लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, जो लैंग्वेज दोस्तों पाइथन, जावा स्क्रिप्टिंग एंड PHP एंड SQL एंड दोस्तों C प्रोग्रामिंग जैसी लैंग्वेज होता है। दोस्तों आपको बता दूँ, हम जो बात कर रहे हैं, ऐसी बातचीत कर रहे हैं, इस टाइप की लैंग्वेज नहीं काम करती है हैकिंग में। दोस्तों आपको जो मैंने नाम बताया वो आपको सीखना ही पड़ेगा। इनमें से दोस्तों आप किसी भी लैंग्वेज को सीख लीजिए, सबसे मैं तो बेस्ट बोलूँगा पाइथन या जावा या सी लैंग्वेज को सीख लीजिए, आपका काम चल जाएगा हैकिंग के लिए। दोस्तों पाइथन तो ज़रूरी है, उसमें तो हैकिंग बहुत ही ज़्यादा की जाती है, उसको तो सीख ही लेना। एंड दोस्तों 4 रिक्वायरमेंट की बात करें, दोस्तों मान लेते हैं कि आपके पास में PC भी है, एंड दोस्तों आपने कालीनिस या टर्मेक्स डाउनलोड कर लिया अपने फ़ोन या PC में, एंड दोस्तों आपने थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी आ गया, एंड दोस्तों आपको कोडिंग भी आ गया कि कैसे चलाया जाता है टर्मेक्स एंड कालीनिस को, तो चलिए दोस्तों 4 रिक्वायरमेंट को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों 4 रिक्वायरमेंट में आपको मलवेयर एंड दोस्तों फिशिंग, SQL इंजेक्ट अटैक एंड दोस्तों क्रॉस साइट स्प्रिटिंग एंड ब्लोटवेयर एंड दोस्तों पेलोड बनाना आना चाहिए। दोस्तों जो मैंने ये नाम बताए हैं दोस्तों वो आपके दिमाग से बाहर जा रहे होंगे, लेकिन टेंशन ना लो दोस्तों, अगर आप हैकिंग में घुस जाओगे ना तो दोस्तों आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्या क्या बताया है। स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताया ना, फर्स्ट पे आपके पास में फ़ोन होना चाहिए, कालीनिस होना चाहिए सेकंड पे, और थर्ड पे आपको लैंग्वेज आना चाहिए, फोर्थ पे आपको मलवेयर या पेलोड बनाना आना चाहिए। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ऐसे फॉलो करोगे तो आप हैकिंग 100% सीख जाओगे। एंड दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि इस चीज़ को सीखोगे कहाँ से,
दोस्तों यूट्यूब पे देखोगे तो आपको जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया ऐसे सर्च करोगे तो 100% आप सीख सकते हो। एंड दोस्तों आपको ऐसे बहुत सारे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे जिसमें दोस्तों आपको अपने फ्रेंड का हैकिंग बताया जाएगा, इसका हैकिंग कर लो उसका हैकिंग कर लो। दोस्तों वो आपके कुछ भी काम का नहीं है, मैं मानता हूँ। दोस्तों इसमें आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने को मिल जाएगा जो यूजफुल देखने को मिलेगा, जो आपको प्रॉपर हैकिंग सिखा सकता है यूट्यूब पे भी। जो दोस्तों मैंने आपको बताया वैसे आप अपने स्टेप बाय स्टेप सर्च करोगे तो दोस्तों आप 100% हैकिंग सीख जाओगे। एंड दोस्तों आपको कुछ चीज़ गूगल से भी सीखने को पढ़ सकता है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब की गाइडलाइन ऐसा है कि दोस्तों आपको स्टैक पड़ जाता है, जो वीडियो बनाता है उसको स्टैक पड़ जाता है। एंड दोस्तों उसका चैनल भी डिलीट हो सकता है। एंड दोस्तों हो सकता है कि ये वीडियो भी स्टैक या कोई ऐसा रीजन आ जाए कि इस वीडियो को डिलीट करना पड़ जाए। लेकिन दोस्तों आपने ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए लक्की हो दोस्तों, आप इस चीज़ को अपने फॉलो करना एंड दोस्तों 100% एथिकल हैकिंग सीख सकते हो। एंड दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। एंड दोस्तों इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नॉलेजफुल एंड कंटेंट देखने को मिलता है। एंड दोस्तों आपको ये वीडियो जरा भी नॉलेजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक तो मार ही देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।